हेलो दोस्तों, कैडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ और हम पीटीसी क्रू पैरामेट्रिक 3 का एक नया असेंबली का सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। ये पहला वीडियो है। देखिए, हम शुरू करने जा रहे हैं असेंबली का ट्यूटोरियल सीरीज। तो आपको मालूम होना चाहिए कि असेंबली होती क्या है। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं आप, अपना फ़ोन देख लीजिए, अपनी वॉच देख लीजिए, कार देख लीजिए, ट्रक देख लीजिए, कुछ भी देखिए, साइकिल। तो आप देखेंगे कि कोई भी साइकिल जैसे है आपके पास या फ़ोन है, तो अगर उसको खोलेंगे तो एक एक पार्ट उसका एक एक पुर्जा अलग कर सकते हैं। तो असेंबली माने होता है कि एक एक पुर्जा जो अलग बना होता है उसको जोड़ना। ठीक है, पार्ट कह सकते हैं, एक पुर्जा है हमारा। ठीक है, ये देखिए, ये एक असेंबली है। यहाँ पे दो पुर्जे लगे हुए हैं। ठीक है, ये दो पार्ट लगे हुए हैं, इन दोनों पार्ट को मिला के एक असेंबली बनाई गई, एक फाइनल ऑब्जेक्ट बनाया गया। ठीक है, उस फाइनल ऑब्जेक्ट को हम असेंबली कहते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को असेंबली करना कहलाती है ये प्रोसेस। अब देखिए, असेंबली जैसे कि हम क्रू में असेंबली को ओपन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम चलते हैं फाइल में, फिर न्यू बनाते हैं। यहाँ न्यू में आने के बाद अभी तक हमने सीखा स्केच बनाना है तो स्केच में चलते हैं, पार्ट बनाना है तो पार्ट में आते हैं। सॉलिड, इसके नीचे एक ऑप्शन मिलेगा असेंबली का। असेंबली में यहाँ पे सब टाइप ढेर सारे मिलेंगे, इनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम डिज़ाइन की चर्चा करेंगे कि असेंबली हम किस चीज़ की करेंगे, डिज़ाइन की असेंबली करेंगे। और यहाँ पे आप अपना नाम दे दीजिए, उसके बाद ओके कर दीजिए। जैसे ही ओके करेंगे, ये देखिए आपकी ASM 0002 एक्टिव, ये एक असेंबली की फाइल बन गई। अब असेंबली की फाइल बन गई तो इसमें सारे जो असेंबली से रिलेटेड ऑप्शन ही नज़र आएंगे आपके। ठीक है, और एनालिसिस जैसे पिछले बार आता था, एनालिसिस, अनोटेशन, रेंडर, बाकी चीज़ें आएंगी। और देखिए, मैनकाइंड का भी एक ऑप्शन आएगा कि यानी जैसे कि आपने कार की असेंबली कर ली, कार में आप आदमी को बैठाना चाहते हैं, या चेयर बना ली, चेयर में आदमी बैठाना चाहते हैं, तो आदमी यहाँ से आ जाएगा आपका। ठीक है, इंसर्ट मैनकाइंड। ठीक है, तो ये देखिए आदमी है, यहाँ पे प्रीव्यू दिखाता है, आपको मालूम ही है। ठीक है, इसको सिलेक्ट करिए तो ये देखिए आदमी का प्रीव्यू आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आदमी है। और ऐसे और भी टूल्स हैं। तो हमारा सबसे पहले टारगेट है जानना कि इसका जो मॉडल के अंदर जो इम्पोर्टेंट टूल्स हैं उन पे वर्क कैसे करेंगे, हम इसको क्लोज करते रहें। तो अभी तक आपने जान लिया कि असेंबली की फाइल कैसे ओपन करते हैं और इसके टूल्स क्या क्या हैं। अब देखिए, हमारा सबसे ज़्यादा काम होगा मॉडल में, और मॉडल के अंदर भी जो आप ये देख रहे हैं ना, कंपोनेंट सेक्शन। ठीक है, इसमें जो असेंबल लिखा है ना, ये जो इंसर्ट पार्ट है सबसे ऊपर वाला इंसर्ट पार्ट, सबसे ज़्यादा यही यूज होगा, क्योंकि जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन हो जाएगी, यानी जहाँ पे आपने फाइल सेव किया है उस फाइल को यहाँ से चलिए, उसको सर्च करिए और उसको ओपन कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि आपने डेस्कटॉप में फाइल रखा है तो डेस्कटॉप में, ठीक है, या फिर किसी डायरेक्टरी में रखा है तो यहाँ से आप जा सकते हैं अपनी, देखिए सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव, जिस ड्राइव में रखा है वहाँ पे जाने के बाद आप ब्राउज कर सकते हैं। तो हमने एक फेवरेट डायरेक्टरी सिलेक्ट कर रखी थी क्रू की, तो वहाँ पे हमने पार्ट रखे हैं, तो ऐसे हमने सिलेक्ट कर लिया। अब जो पार्ट है उनमें सबसे पहले जो हमारा टायर वाला पार्ट था ना, हम इस टायर वाले पार्ट को यहाँ प्रीव्यू में देख लिए तो दिखने लगा है कि हमारे टायर पार्ट है। ठीक, अब अगर इसे ओपन कर देंगे तो ये ओपन हो जाएगा, और जैसे ही ओपन हो जाएगा आपको इसे प्लेस करना होगा। ठीक है, तो जैसे असेंबली होती है कि एक एक पार्ट को रखते जाइए, सबको जोड़ते जाइए, यही असेंबली होती है। लेकिन एक एक पार्ट को लाना और उनको आपस में जोड़ना, ये कहलाता है कॉन्स्ट्रेंट। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसको कॉपी में लिख लीजिए आप, हमेशा एक कॉपी रखिए अपने पास, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट था तो जब मैंने 3 4 सॉफ्टवेयर एक साथ सीखे, उस सीखने के 1 महीने बाद मुझे सब भूल गए। ठीक है, तो उस समय तो आपको बहुत आ जाता है, लेकिन उसके साथ साथ आप अगर नोट्स बनाते चलेंगे तो आपको ये अगर कभी भूल गए तो पता चल जाएगा कि ये इसका मीनिंग क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पे दो सेक्शन आपके नज़र आएंगे, जैसे ही एक पार्ट को इम्पोर्ट करेंगे आपके पास दो सेक्शन नज़र आएंगे। ठीक है, एक यूजर डिफाइंड यानी किस टाइप की आप इस पार्ट को रखना चाहते हैं यहाँ पे। अभी तो देखिए ये पहला पार्ट है तो इसको आप फिक्स करना पड़ेगा। पहला पार्ट हवा में होता है, यानी कि जैसे कि स्पेस में, देखिए तैर रहा है पार्ट, इसको कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, और कहीं से भी रोटेट कर सकते हैं, ये देखिए किसी भी डायरेक्शन में आप इसको रोटेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये पार्ट अभी कहीं पर फिक्स नहीं है। अब देखिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सीख लीजिए, समझ लीजिए क्या है ये।
जैसे कि आपके पास मान लीजिए एक मेज है, तो मेज को अगर आप ज़मीन में रख देंगे तो पूरी फर्श में केवल चलेगी, पूरी फर्श में उसको खिसका सकते हैं, ठीक है, उसको आप हवा में नहीं उठा सकते। अगर आप हवा में उठाएंगे तो फिर वो फ्री हो जाएगी, ठीक है, लेकिन अगर ज़मीन में रख दिया तो वो फिक्स है कि वो ज़मीन के साथ कॉन्स्टेंट है। यानी कॉन्स्टेंट का मीनिंग ये होता है कि जब दो ऑब्जेक्ट आपस में किसी भी तरीके से टच होते हैं या इंटरेक्ट होते हैं तो उन्हें कॉन्स्टेंट करना कहलाता है। तो ये देखिए, यहाँ पे दो प्रकार के कॉन्स्टेंट यूज होंगे। तो अगर हम यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि डिफ़ॉल्ट, यानी डिफ़ॉल्ट का मीनिंग ये है कि इसके जो सारे प्लेन्स हैं हमारे ऑब्जेक्ट के, और जो हमारे यहाँ पे जो प्री डिफाइंड पहले से तीन प्लेन थे उनके साथ मैच कर जाता है, और इनको ओके कर दीजिए तो ये ऑब्जेक्ट हमारा सेट हो जाएगा यहाँ पे, यानी ये ऑब्जेक्ट फिक्स हो गया, तो इसे फिक्स करना कहलाते हैं। तो ये देखिए असेंबली में एक ऑब्जेक्ट जुड़ गया आके। अब अगर यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे तो देखिए एक्टिव एक ऑप्शन आता है सबसे ऊपर, एक्टिव। अगर इस एक्टिव में क्लिक कर देंगे तो आप इस पार्ट के पार्ट डिज़ाइन में चले जाएंगे, इस बात को समझिए। जैसे कि हम पार्ट डिज़ाइन में है ना, अब चाहें तो हम इस पर और भी कुछ, देखिए स्केचर आ गया, यहाँ से एक्सट्रूड आ गया, अगर यहाँ पे भी कुछ आप एक्सट्रूड करना चाहते हैं तो ऐसे एक्सट्रूड कर सकते हैं जाके, ठीक है। ये देखिए, तो हम डायरेक्ट पार्ट को ही एडिट कर सकते हैं, यानी हम पार्ट को एडिट करने के फंक्शन में पहुंच गए। अब चलिए ठीक है, पार्ट को हमने एडिट कर लिया, लेकिन अब चाहते हैं कि हम फिर से असेंबली में कैसे लौटें, तो असेंबली में जाने के लिए फिर से यहाँ पे जो असेंबली लिखी है इसे एक्टिवेट करना पड़ेगा, जो ग्रीन मार्क है असेंबली में होना चाहिए, राइट क्लिक करके असेंबली में एक्टिवेट, ठीक है। तो अब असेंबली एक्टिवेट हो गई, असेंबली का ऑप्शन दिखने लगे। अब यहाँ पे अगर चाहें तो एक्सट्रूड का कोई ऑप्शन आपको, ये देखिए अभी जैसे यहाँ पे आने के बाद एक्सट्रूड का ऑप्शन आ जाता है ना, तो अगर आप एक्सट्रूड करना चाहते हैं इसको यहाँ पे ऐसे, ओके, और इसकी डायरेक्शन इनवर्ट, तो देखिए ये एक्सट्रूड हुआ लेकिन दिख नहीं रहा, क्योंकि वो जो एक्सट्रूड हो रहा है वो इस पार्ट के साथ एक्सट्रूड नहीं हो रहा। तो किसी भी पार्ट को एडिट करने के लिए आप उस पार्ट में जाइए, राइट क्लिक करके उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, तब जाके वो पार्ट का जो एक्सट्रूड फंक्शन है वो एक्टिवेट होगा, ठीक है। तो ये बात रही कि असेंबली और पार्ट को एक्टिवेट कैसे करते हैं, और हमने जान लिया कि पार्ट कैसे लाते हैं, और जान लिया नई फाइल कैसे बनाते हैं, और अब जानते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपको अगर कोई फिर न्यू बंदा है तो उसको नहीं पता होगा, कुछ बातें बता देते हैं। यहाँ से सिलेक्ट ऑल मतलब एक्सिस दिखती है, पॉइंट, ठीक है, और प्लेन, ये सारी चीज़ें दिखती हैं। यहाँ से अगर अनचेक कर देंगे तो सब हाइड हो जाते हैं, या फिर किसी चीज़ को जैसे प्लेन को केवल हाइड करना है तो ऐसे प्लेन को हाइड कर लीजिए, या ये हाइड और अनहाइड करने के लिए। यहाँ से व्यू, फ्रंट, लेफ्ट, राइट, ठीक है, तो ये व्यूज़ आते हैं यहाँ से। यहाँ से विजुअल स्टाइल, ठीक है, कि हमें हिडन लाइन देखनी है, नो हिडन लाइन, कोई हिडन नहीं देखनी है, वायर फ्रेम देखना है ऑब्जेक्ट को। अब देखिए इतनी सारी बातें हो गई, अब सबसे इम्पोर्टेंट एक और ऑप्शन यहाँ पे आता है। तो जैसे ही अगर आप सपोज दैट एक और ऑब्जेक्ट पिन को हम यहाँ से लेके आते हैं ओपन करके, तो यहाँ पे देखिए जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको ढेर सारे ऑप्शन नज़र आते हैं ना। आल का मतलब है कि हम सभी को सेलेक्ट कर सकते हैं, देखिए यहाँ से अब सब हिडन दिख रहा है ना, इसको फिर से शेडिंग मोड कर लीजिए यहाँ से। तो अभी ढेर सारे प्लेन दिख रहे हैं ना, तो आप चाहते हैं कि केवल प्लेन ही सिलेक्ट हो, प्लेन के साथ साथ हम देखिए एज भी सिलेक्ट, ये सरफेस भी सिलेक्ट हो रही है इसकी। अब जैसे कि हम प्लेन और सरफेस सिलेक्ट हो रही है, हम चाहते हैं कि इसका एज सिलेक्ट हो, एज मतलब ये किनारा। तो किनारे सिलेक्ट करने के लिए हमें ऐसे तो सिलेक्ट नहीं कर पा रहे, ऐसे मिल ही नहीं रहा है किनारा, ये देखिए प्लेन सिलेक्ट हो जा रहा है, या तो इसका मतलब सरफेस सिलेक्ट हो जा रहा है लेकिन किनारा नहीं हो रहा, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है सिलेक्ट करने में। तो कुछ नहीं, यहाँ से एज ऑप्शन ले लीजिए, उसके बाद अब कोई भी एज ही केवल सिलेक्ट होगा, कोई प्लेन सिलेक्ट नहीं होगा, ना कोई सरफेस सिलेक्ट होगा, या फिर कर्व, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे कहीं कोई कर्व होगा ना तो केवल कर्व सिलेक्ट होगा, कर्व है नहीं तो नहीं, वर्टेक्स यानी एक पॉइंट, ये देखिए वर्टेक्स एक पॉइंट होता है, जैसे ये पॉइंट, ये पॉइंट, और अगर कहीं पर भी वर्टेक्स है जैसे यहाँ पे एक वर्टेक्स मिल जाएगी आपको, ये देखिए वर्टेक्स मिल गई, तो ये वर्टेक्स यानी एक पॉइंट। सरफेस केवल सरफेस सेलेक्ट होगा, ये देखिए केवल सरफेस सेलेक्ट हो रहा है ना, सरफेस यानी किसी भी बॉडी का आउटर पार्ट। और डाटम प्लेन यानी देखिए अब केवल प्लेन सेलेक्ट होंगे, अब कोई सरफेस सेलेक्ट नहीं होगा। तो ये ऑप्शन है यहाँ से कि आप सब कुछ सिलेक्ट ऑल कर देंगे तो अब जैसे एक्सिस है केवल एक्सिस सेलेक्ट होगी, ये देखिए एक्सिस इसके पास है, हर एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट के अंदर एक एक्सिस होती है, ये बात याद रखिए। अगर ऑल कर देंगे तो ऑल में हम सब कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं, एक्सिस भी,
प्लेन भी सरफेस भी, ठीक है। तो यहाँ से ये ऑप्शन को याद रखिएगा, और जब हमारा ऑब्जेक्ट ओके हो जाएगा तो एक यहाँ पे आता है कि स्टेटस उसका क्या है, नो कॉन्स्टेंट, यानी अभी इस ऑब्जेक्ट में कोई कॉन्स्टेंट नहीं जुड़ा, ठीक है। तो प्लेसमेंट में एक यहाँ पे चेक करते हैं कि इसका कोई कॉन्स्टेंट जुड़ा है कि नहीं, नहीं जुड़ा, तो ये बोल रहा है कि इसके कॉन्स्टेंट जोड़िए, ठीक है। तो ये सब बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, यहाँ तो ओवरव्यू हम आपको दे रहे हैं। तो अभी कोई कॉन्स्टेंट नहीं जुड़ा। कॉन्स्टेंट क्या होता है कि ये वाला जो पार्ट हम ले गए हैं, ये पार्ट इस पार्ट के साथ कैसे जुड़ेगा, ठीक है। तो अभी हमने इसको इसके साथ जोड़ा नहीं, तो बता रहा है नहीं जुड़ा, यानी नो कॉन्स्टेंट, यानी नहीं जुड़ा। अगर जोड़ देंगे तो कॉन्स्टेंट दिखाई देगा। फिर यहाँ पे एक विंडो है, ठीक है। अगर इस पर आप ऐसे क्लिक कर देंगे, अरे इस वाले पे, तो यहाँ पे एक और विंडो आपको नज़र आएगी। ये देखिए छोटी सी विंडो, इस छोटी सी विंडो ये आपको बहुत मदद करेगी जब आपके पास बहुत बड़ी सी असेंबली हो जाएगी ना, जैसे कार या ट्रक या किसी सपोज दैट कि ट्रिमर की असेंबली कर रहे हो, तो उसके अंदर छोटे छोटे कंपोनेंट है, तो आप यहाँ पे स्पेशली उस जो कंपोनेंट को लाएंगे उसको यहाँ से जूम करके देख पाएंगे, ठीक है। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि पूरी असेंबली ऐसे ही रहेगी, लेकिन हम उस पार्ट को यहाँ से जूम करके देख लेंगे। और इसको हाइड करने के लिए इसमें से क्लिक कर दीजिए तो हाइड हो जाएगी वो विंडो, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन यहाँ से मिलते हैं। अगर जैसे आपने ओके कर दिया, फिर से आपको चाहिए कि ये जो पार्ट हम लाए हैं इसकी फिर से ऑप्शन, इसकी एडिट ऑप्शन में जाना है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करिए और ये वाला पहला वाला ऑप्शन एडिट में चलिए। तो फिर से देखिए वहीं आ गए, फिर से आप इसके जो कॉन्स्टेंट है उनको चेंज कर सकते हैं। या फिर अगर आपको डिलीट करना है तो इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन, ये नीचे डिलीट कर दीजिए, डिलीट कर देंगे तो पार्ट डिलीट हो जाएगा। या फिर एक हाइड का ऑप्शन है, हाइड कर देंगे तो केवल हाइड हो जाएगा, लेकिन वो ऑब्जेक्ट रहेगा आपका, बस केवल दिखेगा नहीं। फिर से अनहाइड कर लीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ऑप्शन से क्रियो असेंबली शुरू करने से पहले इतनी बातें जानना जरूरी थी, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि असेंबली कैसे शुरू करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।